हेलो फ्रेंड, शांति शालिनी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बच्चों की मनपसंद बहुत ही स्पाइसी मैगी रेसिपी बताऊंगी, जो बनाना बहुत ही ईजी है और 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। और आपको इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। आप एक बार इसको घर में ज़रूर बनाएं और बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। आप ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें पैन में एक मैंने थोड़ा सा 1 स्पून बड़ा वाला ऑयल डाला है और इसमें ये गार्लिक लहसुन बिल्कुल चॉप कर कर बारीक बारीक काट कर मैंने डाला है। लहसुन बहुत ही फ़ायदा करता है और इस मैगी में इसका टेस्ट आप बना कर देखेंगे, आपको अलग पता लगेगा कितना टेस्टी लगती है मैगी। इस लहसुन से थोड़ी सी हमने 2-3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाली है। इसको अच्छी तरीके से हम बढ़िया से ऑयल में इसको अच्छे से सेक लेंगे। लहसुन हल्का ब्राउन हो जाए जब तक इसको अच्छी तरीके से चलाएं। और हमारी मिर्च भी अच्छे तरीके से सीख गई है ऑयल में। अब मैं यहाँ सोया सॉस डालूँगी 1 स्पून हम, और यहाँ थोड़ी सी मैंने रेड चिली, अगर बच्चे नहीं खाते और थोड़ा कम डाल लें। और ये वाइट विनेगर डाला है, इससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये मैंने तिल डाले हैं, थोड़े से सीसम सीड, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और यहाँ मैंने मैगी मसाला। ये सभी चीज़ अच्छी तरीके से इनको मिलाएं ऑयल में अच्छी तरीके से, और थोड़ा सा पानी डाल दें जिससे हमारे सभी मसाले अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं और सीख जाए। बस अब हम यहाँ 1 स्पून मैं सहजवान चटनी डालूँगी। इसकी रेसिपी मैं पहले बता चुकी हूँ, आप इसमें सहजवान मैगी में डालेंगे, इसका टेस्ट आपको वाकई में एक डिफरेंट लगेगा। आपने बहुत मैगी बनाई होंगी, इस तरीके से एक बार मैगी ज़रूर बनाइएगा, बहुत पसंद आएगी। ये मैंने माइक्रोवेव में अच्छी तरीके से बॉईल कर ली थी मैगी, और इसको अब हम मिक्स कर लेंगे सभी अच्छी तरीके से। मसाले में मिक्स हो जाएगी। ये देखिए, हमने फोर्क की सहायता से बिल्कुल सारे अच्छी तरीके से मैगी मिक्स कर ली है। बस अब हमारी मैगी बिल्कुल तैयार हो गई है। थोड़ी सी ग्रीन ऑनियन डाल देंगे, थोड़ी बहुत अच्छी लगती है गार्निश के लिए। और इसे अब हम बस उतार लेंगे। गैस मैंने ऑफ़ कर दी है, बिल्कुल हमारी मसाला मैगी स्पाइसी मैगी बिल्कुल तैयार है। और इसे आप खाएंगे, वाकई में देखने में ही मुंह में पानी आ रहा है, कितनी टेस्टी बनी है। आप एक बार घर में ज़रूर बनाएं और मेरी रेसिपी पसंद आने पर लाइक करना ना भूलें। और ये बच्चों को बहुत पसंद आएगी, आप ज़रूर एक बार मेरी इस रेसिपी को घर में ट्राई करें, बच्चों को खिलाएं, और ये बच्चों को बहुत ही फ़ायदा भी करेगी क्योंकि इसमें लहसुन है। थैंक यू।